इमाम साहब का इदारा तो बंद हो गया, बादशाह मुखालिफ हो गया। ये तो सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर से चल रही है ना बात, कि वक्त के हुक्मरान सिर्फ इसलिए शहीद करा देते कि हुक्मरान मैं हूँ और कौम सारी इसके पीछे जा रही है। तो वहाँ से बात चली आ रही, फरमाते हैं इदारा बंद है, इमाम साहब का घर सब जेल बना दिया गया है, घर में बंद है। मेरा शौक फिर भी कम नहीं हुआ, कर्फ्यू नाफिज है। मैंने लोगों से कहा इमाम साहब तक कैसे पहुंचा जा सकता है, कोई बंदा एड्रेस बताने को तैयार नहीं। हजरत शाह साहब कहते हैं मैं एक शख्स की मिन्नत की, मैंने कहा बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी देर से पहुंचा, बिना ज्यारत मुलाकात लौट नहीं सकता। वो कहने लगा गली तक ले जाऊंगा पर उंगली का इशारा नहीं करूंगा। हालात जो होते हैं ना, वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत ने तो यारों ने किया याद बहुत, पर साथ आया ना कोई कूचे रुसवाई तक। और मियाँ साहब कहने लगे सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, लखा कीते नी पेड़े, पर वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। हालात सख्त हैं, कहने लगा उंगली का इशारा नहीं करूंगा, आंख का करूंगा, फरमाया कबूल है। कहते हैं उन्होंने ना उस गली में ले गए इमाम साहब की और इशारा करके कहा कि वो घर है, अब मैंने पहुंचना कैसे। कभी मैंने सोचा कि फल बेचने वाला ना बन जाऊं, दरवाजे पर तो पुलिस खड़ी है। कभी सोचा झाड़ू देने वाला ना बन जाऊं, फिर ख्याल आया नहीं मैं इस तरह करता हूँ भीख मांगने वाला बन जाता हूँ। सजना यार मनौन दिखातर असा की पेस बटाए। फरमाते मैंने ना गले में कासा पहन लिया और उनकी गली के कोने से मांगना शुरू किया। एक दिनार दो दिनार, इमाम साहब का दरवाज़ा आया और मैंने सदा लगाई तो इमाम साहब नूरानी चेहरे के साथ, खूबसूरत लहजों के साथ, झुकी हुई नज़रों के साथ दरवाजे पे आए। और जैसे ही इमाम साहब ने अस्सलामु अलैकुम कहा, मैंने पढ़ के हाथ चूम लिया। इमाम साहब दिनार देने लगे तो मैंने कहा हुजूर ये वाली दौलत लेने नहीं आया, अगर मैं रोज़ फ़कीर बन के आ जाऊँ तो मुझे हुजूर की हदीस पढ़ा दिया करेंगे। फरमाते मैंने महीनों इस तरह इमाम साहब से तालीम हासिल की, महीनों महीनों। हालात बदल गए, बादशाह चला गया, नया हुक्मरान आया तो मदरसा खुल गया। फरमाते हैं जब मैं पहले दिन दाखिल हुआ तो इमाम साहब उठ के खड़े हो गए, कहने लगे पढ़ा पढ़ाया मैंने भी सारी ज़िंदगी है, पर जो तुझे पढ़ाने का मज़ा आया है ना, जो सुरूर अपने अंदर वो शौक तो पैदा करें, वो मिजाज तो लाएं, लेकिन तबीयत ही नहीं है। हम देखते हैं डिग्रियाँ लेने का शौक़ है, असनाद जमा करने का शौक़ है, कोई ना कोई नया से नया साबका और लाह का लोग तलाश करने को घूमते हैं, लेकिन वो रसूख जिस पर लोग सफ़र करते थे, कोई एक उनवान चुनते थे पर उस पर वो ज़िंदगी लगा देते थे, वो शौक़ नहीं। हमें शौक़ पैदा करना चाहिए, हमें जुमे वाले दिन वक्त पर जाना चाहिए, हमें महाफिल में जो मिलता है वो वापस आकर हमें नोट करना चाहिए, हमारे पास इतना ज़खीरा जमा हो जाएगा कि वो हमारे लिए और हमें अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए काफ़ी होगा। और दूसरी बात, इल्म हमेशा अमल के लिए सीखें। सही मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूँ जो इल्म तो हो पर नफ़े वाला ना हो। ऐसा इल्म जो नफ़ा ना दे, इस पर बंदा अमल ही ना कर सके। लेकिन ना बातें तो तोते को भी रटाई जा सकती। इल्म इसलिए हासिल करें, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने दीन का इल्म इसलिए पढ़ा कि वो उलमा से बहस करेगा या जाहिलों पर रोब जमाएगा या उससे दुनियादारी जमा करेगा। फरमाए ऐसे बंदे को तो अल्लाह जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। इल्म सीखें फिर उस पर अमल करें, मिजाज हो अमल करने का, तबीयत हो, यानी जो सीखें उसे अमली ज़िंदगी में नाफिज करने की कोशिश करें। हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे थे जिनका अमल देखकर लोग पूछते थे कि जनाब ये जो आपने काम किया, तो फिर वो किताब का नाम बताते थे। फिर वो हज़रत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा मैं दीन की तबलीग करना चाहता हूँ, कोई तरीका बताएं। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर, मैं दीन की, आजकल मुबल्लिग सिर्फ मस्जिदों में नहीं मिलते, महफिलों में नहीं मिलते, हर चौक में मुबल्लिग।
जिसकी जेब में सोशल मीडिया है वो बेहतरीन नसीहत करता है, ज़बरदस्त मबल्ली बहस होती है, खुदा जाने कहाँ कहाँ पहुँच गए लोग। कहा हुजूर मैंने तबलीग करनी है, कोई तरीका बताए। तो इमाम जाफर सादिक फरमाने लगे, तबलीग करने का बेहतरीन तरीका यह है कि तू दीन पर अमल करना शुरू कर दे। जो अमल से खुशबू फैलती है ना, अमल से जो आप अमल करते हैं वो आपका असल होता है, जो आप अमल करते हैं उसमें आपके बच्चे रंगे जाते हैं। करीब वालों को वो वाला फैज मिलता है जो आपके अमल से ज़िया फूटती है, अमली ज़िंदगी। हज़रत इमाम मालिक मौता इमाम मालिक लिखा, बड़े खुश थे, बड़े राजी थे, बड़े खुश थे। तो लोगों ने कहा हुजूर इतनी खूबसूरत किताब, इतनी खूबसूरत अहादीस जमा कर ली तो आप इसलिए बड़े खुश हैं? तो ये देखो ये हमारे अकाबरीन हैं। फरमाने लगे सिर्फ इसलिए नहीं खुश कि मैंने किताब लिखी है, इसलिए खुश हूँ कि जितनी हदीसें मैंने किताब में लिखी हैं ना, अल्लाह का फजल है मेरा सब पर अमल भी मौजूद है, मेरा उस पर अमल मौजूद है। अमल जब इंसान अमली ज़िंदगी गुजारता है ना, अमली। हमारे हाजी सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह ईद के दूसरे दिन अपने पीर खाने जाया करते थे फैसलाबाद, हज़रत मुहद्दिस आज़म के यहाँ। उनके साथी कहते हैं हज़रत ज़ोर की नमाज घर में पढ़ी, टिकट ले लिया शेखुपुरा का। तो अब एक दो साहब ने पूछ लिया कि हज़रत हमने तो फैसलाबाद जाना था, तो कहते हैं वो तस्बीह फेर रहे थे तो जलाल जरा रहता था और उन्होंने देखा ही तो सारे चुप कर गए। शेखुपुरा उतरे, असर की नमाज पढ़ी, फिर अगला टिकट लिया बस का तो शाहकोट का, वहाँ उतरे तो मगरिब की नमाज पढ़ी, और फिर तीसरा टिकट फैसलाबाद का लेके कहने लगे कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ हाज़िरी थी, आराम आराम से भी जाते तो पहुँच जाते, लेकिन अगर इकट्ठा मैं वहाँ का टिकट लेता पता नहीं बस वाला खड़ा करता कि ना करता, दो नमाज़ें रह जाती, दो नमाज़ें रह जाती, दो नमाज़ें। एक साहब ने गाड़ी ली, हज़रत की खिदमत में आए तो कहा आपने गाड़ी ले ली या बड़ी मुबारक हो। तो फरमाने लगे पता है अपनी गाड़ी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है हुजूर, क्या है? फरमाने लगे बंदे की नमाज कज़ा नहीं होती, जहाँ वक्त हुआ वहीं उसने ब्रेक लगाई और नमाज पढ़ ली, लेकिन हमने सहूलियात को किस लिए रखा हुआ है? तो अमली ज़िंदगी में वैसे भी ना इंसान कहे कुछ और करे कुछ तो वो दो कश्तियों का मुसाफिर हो जाता है। उसे महसूस होता है कि यार भला मैं क्या हूँ, अगर वो जो कह रहा है वही उसकी अमली ज़िंदगी भी है, उसके लिए ना ज़िंदगी सुकून वाली हो जाती है। तीसरी और आखिरी बात यह है कि इखलास इतना ज़रूरी है, मुखलिस होना इतना ज़रूरी है। खामद सारे खर्चे पूरे करे और सारी चीज़ें ला के दे और जब बीवी कहे मेके भी लेके जाए, लेकिन अगर उसे पता चल जाए ना मेरे साथ मुखलिस नहीं, तो वो घर चल सकता। खामन सारा कुछ बर्दाश्त कर लेता है, होटल से भी रोटी खा लेता है, कपड़े भी कहीं से धुला लेता है, लेकिन खुदा न खास्ता उसे पता चले कि मामला कोई और भी है तो वो घर चल सकता? इखलास ना हो तो घर नहीं चलता, तो दीन पूरा कैसे चलेगा? मुखलिस लोग जो होते हैं ना, मुखलिस, वो बड़ी आसूदा ज़िंदगी गुजारते हैं। ये जो रियाकारी होती है ना, रियाकारी दिखावा, ये बुनियादी तौर पर अदाकारी होती है। अदाकारी बंदा कितनी क्यों करता है, थक जाता है, क्योंकि वो बन रहा होता है जो वो होता। देखिए ना कोई शख्स जबरन उसे कपड़े पहना दिए जाए ना जो उसकी तबीयत से मैच नहीं करते। मेरे अब्बा जी एक शादी से वापस आए तो जल्दी से ना उन्होंने वेस्टकोट उतारी और जराबें उतारी और बड़े वो ना, तो मैंने कहा तबीयत तो ठीक है? कहने लगे यार ये जो कपड़े ज़बरदस्ती तुमने मुझे पहनाए हैं इन्होंने मुझे थका दिया है। सफ़र ने नहीं थकाया, ये जो भन संवर के बैठना है, लेकिन जो रूटीन में इंसान किसी चीज़ से अटैच हो जाता है ना, मुखलिस हो जाता है। दिखावा ना करें, बतलाए ना, बड़ा अज़ियतनाक सा मसला है। आप यकीन करें ये मुआमिनीन है मदारस के मसाजद के, इनको राज़ी करना एक बहुत बड़ा मुश्किल मामला हो जाता है। यानी वो इतना खूबसूरत काम कराया, इतनी सोनी टाइलें लगवाई हैं और आखिरी टाइल पे अपना नाम लिख दिया है, क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की?
इन तकल्लुफात की क्या ज़रूरत है? जो साहब इससे पहले इतना काम कर आ गए, वो उनका नाम कहाँ लिखा जाए? ज़िंदगी में इखलास हो, इंसान जो काम करे वो अल्लाह की रज़ा के लिए करे, वो रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए करे, अपनी ज़िंदगी में दिखलावा छोड़ दें। अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, और बंदों को वैसे भी राज़ी नहीं किया जा सकता, इसलिए कि दुनियादारों की तरजीहात तो रोज़ बदलती हैं। आप एक क्वालिटी पैदा करते हैं तो नई तरजीह आ जाती है। हर आदमी आपको अपने जाविये निगाह से देखना चाहता है और अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक रखना चाहता है। मुखलिस हो जाएं, मुखलिस इखलास वाली ज़िंदगी गुजारें। हज़रत माज़ इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला अन्हो जा रहे हैं, हुजूर ने यमन का गवर्नर बनाया, बहुत सारी नसीहतें करीम ने फरमाई। हज़रत माज़ अर्ज़ करने लगे, हुजूर मुझे कोई ख़ास नसीहत भी फरमा दे। तो महबूब फरमाने लगे, इखलास के साथ अमल करना, तुम्हारा थोड़ा अमल भी तुम्हें किफ़ायत कर जाएगा, थोड़ा अमल भी फ़ायदेमंद हो जाएगा, लेकिन मुखलिस रहना, मुखलिस इखलास वाली ज़िंदगी गुजारें। देखो उम्मत मुस्लिमा में बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह का फ़ज़ल है, बड़े बड़े मुखलिसीन हैं, लेकिन होता यह है कि जब कौमी सतह पर, आलमी सतह पर उम्मत मुस्लिमा के दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू शुरू होती है तो लोग इलाकाई तकसीम का शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आकर, कहीं ना कहीं आकर मुल्कों की, बादशाहों की, सरहदों की जंग ऐसी शुरू होती है कि वो कहीं ना कहीं ज़ात का झगड़ा बीच में आ ही जाता है। मैंने देखा है बड़े बड़े बेहतरीन मदारस चल रहे हैं, बड़ा उम्दा सिलसिला चल रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग गलत हैं, बस हमारे मिजाज के नहीं। एक शख्स है जिसने जो ज़रिया बना है, सबब बना है, इतना बड़ा इदारा कायम हो गया, इतनी सारी चीज़ें बेहतर हो गई, लेकिन वो सदर साहब की तबीयत पे पूरा नहीं उतरा। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वो सारा कुछ टूट जाना तो बर्दाश्त किया है, लेकिन थोड़ी देर कंप्रोमाइज़ करना बर्दाश्त। अगर हम मुखलिस हो जाए ना, तो कई दफ़ा कोई हमारी तबीयत का ना भी हो तो फिर हम मोहब्बतें नहीं देखेंगे, काबिलियतें देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे काम हो रहा है ना, को ज़रूरी है कि हर आदमी मेरे मिजाज का हो। जब इखलास होता है, जब खूबसूरती होती है, फिर मेरिट होता है, फिर आसानी होती है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों की तरबियत फरमाई थी ना, वो बड़े मुखलिस हो गए थे। जिसका जायज़ हक़ होता है ना हमारे भाई का, उसका हक़ देने में भी लोग बड़ा तरद्दुद करते हैं, लेकिन जब हुजूर ने मुहाजरीन और अनसार को भाई भाई बनाया ना, तो वो इतने मुखलिस भाई बन गए थे, इतने मुखलिस कि उन्होंने रस्सियाँ रख के अपनी जायदादें बांट के अपने भाइयों को दे दी थी। ज़िंदगी में खुलूस, आप थोड़े लोगों से ताल्लुक़ रख लें, आप चंद एक लोगों से निभा कर लें, लेकिन ज़िंदगी इखलास वाली गुजारें, मुखलिस हो जाएं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब महबूबे इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स ने आके अर्ज़ की, हुजूर मुझे आपकी तरफ रुजू करना है, अपने शेख को छोड़ना है। तो हज़रत फरमाने लगे, कुछ शरी कबाहत है? कहा, हुजूर नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। फरमाया, क्यों छोड़ना है? अर्ज़ की, हुजूर बस वो। तो आप फरमाने लगे, तू मुखलिस होकर वहीं खिदमत कर, अल्लाह तेरे इखलास की बरकत से तुझे फैज़ अता फरमाएगा। तू मुखलिस तो हो जा, अपनी ज़िंदगी में इखलास तो पैदा कर। मेरे अजीज़ो, शौक़ पैदा करें इल्म का, और फिर जो सीखें वो अमल के लिए सीखें। अमली निफाज, मेरा ना छोटा बेटा है, उसे नहीं पता नमाज क्या है, लेकिन घर में मैं या उसकी वालदा कभी मुसल्ला बिछाते हैं तो वो खुद ब खुद साथ आके खड़ा हो जाता है। कई दफ़ा थोड़ी मुश्किल भी पैदा करता है नमाज़ पढ़ने में, लेकिन खड़ा होता है। हो सकता है मैं उसे तकरीर नमाज की सुनाऊँ तो अभी उसकी उम्र नहीं है कि वो बात को समझ सके, लेकिन वो नमाज़ पढ़ते देखता है ना तो शामिल हो जाता है। हमारा जो अमल है ना, अमल, चले मजबूरन ही कभी कहा था हमने अपने बच्चे से, कोई मजबूरी होगी तो कहा होगा कि बाहर ज़रा कह दो, मैं घर में नहीं, मान लिया दो मिनट के लिए, लेकिन फिर सारी ज़िंदगी मिन्नत करेंगे कि चल पुत्र मेरे साथ तो सच बोला कर, लेकिन बिगड़ जाएगी बात। अपने घर के अंदर हमेशा
किरदार चलता है, इल्म का शौक़ पैदा करें और जो सीखें उस पर अमल करें। और तीसरी बात यह है कि मुखलिस हो जाएं, कि जितने बुज़ुर्गान दीन ने काम किया है, दीन का जितने लोगों ने काम किया है, इखलास था। इखलास बंदे को थकने भी नहीं देता, लंबे लंबे सफ़र कराता है, बड़े बड़े। आज हम देखते हैं ना बुज़ुर्गों की इतनी इतनी जिल्दों में किताबें लोगों से पढ़ी नहीं जाती, लेकिन मुखलिस थे ना। देखिए ना, एक ये है कि मुझे मजबूर हो के आप बुलाते तो मैं पता नहीं कितनी जगह थकता, बड़ी कोफ्त होती, बड़ी मुश्किल से बैठता, बात भी करता तो शायद ज़ौक से ना करता। और एक ये है कि मैं अपने शौक़ से आऊँ, आप शौक़ से आएँ, तो वो जो ताज़ा दम बात होती है ना, वो बड़ा सुरूर पैदा करती है। कोई भी काम जब उसमें इखलास होता है, शौक़ होता है, तो वो बंदे को तरोताज़ा कर देता है। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ मालिक करीम हज़रत सईदी साहब अली रहमा की खिदमात को कबूल फरमाए और इस इदारे को अल्लाह शाद व आबाद फरमाए। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।